महेंद्र भट्ट के राज्यसभा के नामांकन में अनिल बलूनी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्प सिंह धामी मौजूद थे और न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने अपने 6 साल के कार्यकाल के अनुभवों को साझा भी किया। बताया कि मैं अपने कार्यकाल से संतुष्ट हूं, कई सारे अभिनव प्रयोग किए गए जिसमें कई चुनौतीपूर्ण काम किए। लोकसभा चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा कि पार्टी जो भी रोल देगी उसे करना होता है, ये पार्टी को तय करना है। बीजेपी राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी का बतौर राज्यसभा सांसद कार्यकाल 2 अप्रैल को समाप्त होने जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उनकी सीट पर नामांकन किया है। इस मौके पर अनिल बलूनी भी मौजूद रहे। सर, जो पिछले 6 साल का कार्यकाल रहा आपका, किस रूप में आप इसका आंकलन करते हैं? देखिए, पिछला जो मेरा कार्यकाल रहा है ये बहुत ही, मैं उस कार्यकाल से संतुष्ट हूँ और बहुत सारे अभिनव प्रयोग करने का प्रयास किया गया, बहुत सारे ऐसे काम को टच करने की कोशिश की गई जिनको आमतौर पर परंपरागत तौर पर नहीं किया जाता, तो बहुत सारे ऐसे प्रयास किए गए। और ये जो कार्यकाल का जो समय रहा, कालखंड रहा, ये एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्यकाल रहा। आप लोगों को जानकारी में है कि मैं बड़े गंभीर रूप से बीमार हो गया और कई महीने में अस्पताल में रहा। उसके एकदम बाद कोविड की महामारी आ गई और लगभग 1.5-2 साल तक कामकाज जो है वो काफी रुका रहा। हम लोगों की जो सांसद निधि है वह भी बहुत सारी कोविड फंड में उस वक्त डाल दी गई। सर, आगे का रोड मैप क्या है? चर्चाएं हैं कि आप लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए, पार्टी हमारे यहाँ सब कुछ तय करती है, पार्टी जो भी रोल देती है उसको करना होता है। और क्या पार्टी मेरे लिए तय करेगी, ये तो मुझको लगता है हम लोगों को पार्टी के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो आप थे अनिल बलूनी, बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी। आपका कहना है कि बतौर सांसद उन्होंने उत्तराखंड के लिए जो कुछ भी काम किए वो आगे भी काम करना जारी रखेंगे। कैमरा पर्सन संदीप के साथ सुनील नवप्रभात, न्यूज 18 देहरादून। उपनल कर्मचारियों की हड़ताल का आज 4th दिन है और हड़ताल की वजह से लोगों को दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। खासतौर पर स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। सरकारी अस्पताल में एक तरफ जहां पर ओपीडी में डॉक्टर्स के पर्चे नहीं बन पा रहे हैं, तो वहीं घंटों तक लाइन में मरीजों और तीमारदारों को इंतजार करना पड़ रहा है। मरीजों के सब्र का बांध भी घंटों लाइन में लगने के बाद अब टूटने लगा है। उधर चारधाम यात्रा मार्ग पर ऐसे कई स्लाइडिंग जोन्स हैं जो कि यात्रा काल के दौरान मुसीबत का सबब बन जाते हैं। खासकर रुद्रप्रयाग जिले की बात कर ली जाए तो बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्रा मार्ग पर लगभग 12 जगह ऐसी हैं जहां पर यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा मार्ग बाधित होता है। इन जगहों पर पहाड़ियां बेहद नाजुक हैं और हल्की बारिश होते ही बोल्डरों के गिरने का खतरा बन जाता है। कई बार तो घंटों तक मार्ग बाधित रहता है, लेकिन अभी तक इनके ट्रीटमेंट को लेकर कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पड़ाव पांडुकेश्वर में आयोजित 7 दिवसीय कुबेर महोत्सव का समापन हो गया। भगवान कुबेर की विशेष पूजा अर्चना और हवन के साथ पूजा का समापन किया गया। इस दौरान 7 दिनों तक भागवत कथा का आयोजन भी किया गया गांव में। साथ ही आपको बताएं कि क्षेत्र की खुशहाली, समृद्धि और भगवान बद्री विशाल की सफल यात्रा के लिए भगवान कुबेर की विशेष पूजा अर्चना की गई। महोत्सव का आयोजन पांडुकेश्वर के ग्रामीणों के द्वारा किया गया। I'm gonna give it up.